आप लोग, मैं हूं अर्पना कनवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना कनवर ब्लॉग। आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो ब्लॉग है वो क्या होने वाला है। जी हाँ, हमारे जो नेबर हैं वो फर्स्ट डे पापा को अपने घर पर लेकर आए थे और आज है लास्ट डे, तो आज होगा विसर्जन और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैं और मम्मी जाएंगे उनके घर पर पूजा पे और मैं स्पेशली उनके साथ विसर्जन पे भी चलूंगी। आई थिंक शायद मम्मी भी जाएंगी साथ में, लेकिन मैं स्पेशली ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अमृतसर में ये फेस्टिवल कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बॉम्बे में तो ये फेस्टिवल बहुत कमाल ही होता है, वहाँ पर तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं मिस कर रही थी कि काश इन दिनों मैं भी वहाँ पर होती बॉम्बे में, बट एनीवेज यहाँ पर इन लोगों ने इन्वाइट कर लिया। तो मैंने अमृतसर में कभी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे मतलब लगता है कि यहाँ पर शायद बहुत कम लोग होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं ये वाला फेस्टिवल। हमारे एरिया में तो बस यही लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी इनके साथ विसर्जन में जाऊंगी और देखते हैं कि वहाँ पर कितनी धूम होती है, कितना धूमधाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, क्या पता बहुत सारे बप्पा के दर्शन वहाँ पर भी हो जाएं। तो चलिए विसर्जन पे भी इनके साथ जाएंगे, लेकिन पहले पूजा में चलते हैं। और पंडित जी आ गए हैं, उनका कॉल भी आ गया है नेबर का कि आ जाओ आप लोग। तो पंडित जी आ चुके हैं उनके घर पर, तो पहले पूजा होगी फिर चलते हैं विसर्जन में उनके साथ। तो आप लोग भी चलो आ जाओ। सभी 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र ओम नमो गणपते नमः, 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 ओम नमो जो हम ये आपकी मूर्ति लाए हैं इसका, हाँ, क्योंकि गणेश का विसर्जन नहीं होता है कभी। तो आर्तिक्यं समर्पयामि। ओम जयेन जयमजन्तदेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्तज प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतोदयाय, ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं विहाय परमेश्वर यानि कानि च पापानि यानि कानि च पापानि निर्माणि प्रतिष्ठानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति मथरे। बोल गणेश जी महाराज की जय। Thank you.
अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल जो है मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा कि आज एंड कर देती हूँ। कल मुझे भी सर्जन पर जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर कि यहाँ पर भी बॉम्बे के मुकाबले तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ कम थी ऑब्वियसली होगी, पर यहाँ पर भी मुझे ये चीज़ देखकर अच्छा लगा कि इस तरीके से अमृतसर में भी ये फेस्टिवल जो है गणेश चतुर्थी इतने अच्छे से मनाई जाती है। लोग बप्पा को घर पर लेकर आते हैं, फिर उनका विसर्जन किया जाता है, तो वो सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ थी, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे गणेश जी थे, बहुत सारे गणेश जी के दर्शन हुए, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो अमृतसर में गणेश विसर्जन पहली बार देखा है। बॉम्बे में तो बहुत बार देखा है, बट अमृतसर में ये फेस्टिवल मैंने पहली बार सेलिब्रेट किया है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, एक चीज़ मुझे ये कहनी थी आप लोगों को कि अब भी कुछ दिन मैं अमृतसर में हूँ, और अगर आप लोगों में से किसी को अमृतसर में कोई स्पेशल चीज़ के ऊपर ब्लॉग देखना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि वो वाला ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। जो भी आपका मन है कि अमृतसर की कोई कुछ भी देखना है, अमृतसर के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पर ज़रूर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हो तो फिर मैं तब भी ट्राई करूँगी वो चीज़ पे ब्लॉग बनाने का। तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। तो बाय बाय।